नमस्कार दोस्तों, प्रेपीजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग रिवर्स के ऊपर एक मैप वीडियो चाहते हैं, तो उसके साथ मैं फिर से हाजिर हूं। एक रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ऐसे वीडियोस बनाने पे के लिए मोटिवेशन मिले। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर और बातें करेंगे इस बारे में। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहले समझना जरूरी है कि गंगा रिवर बनती कहां से है। गंगा रिवर बनती है दो रिवर्स से मिलके, अलकनंदा और भागीरथी। अब गंगा रिवर जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है अलकनंदा नाम से। यहां पे ये रिवर है अलकनंदा। इस रिवर में भागीरथी के मिलने से पहले पांच और रिवर्स मिलती है, इनफैक्ट चार और रिवर्स मिलती है। पांचवी रिवर होती है भागीरथी। इन पांच रिवर्स को जब ये अलकनंदा से मिलती है, इन पांचों को बोला जाता है पंच प्रयाग। कौन जो प्रयाग है? पंच प्रयाग। पांच प्रयाग पे पांच रिवर्स अलकनंदा से मिलती हैं। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। एक निमोनिक मैंने बनाया जिससे मुझे याद रहता है, आप लोगों को अगर यूज हो तो आप कीजिएगा, वरना अपना बना सकते हैं। विधन, कपि, रूमी, देव। तो विधन से विष्णु प्रयाग, जहां पे आके मिलती है धौली गंगा। फिर अगला प्रयाग है एन से नंद प्रयाग, जहां पे आके मिलती है नंदाकिनी। उसके बाद नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग, जहां पे आके मिलती है पीआई माने पिंडार। अगला है रुद्र प्रयाग, जहां पे आके मिलती है अलकनंदा से मंदाकिनी। और फाइनली जब भागीरथी आके मिलती है देव प्रयाग पर, तो ये बन जाती है मिलके, दोनों बन जाती हैं गंगा नदी। अब इसके आगे जब ये आगे बढ़ेंगी तो गंगा नदी बनेगी। तो ये पंच प्रयाग है, विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जहां पे पांच नदियां आके मिलती हैं। एक दो पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये है कि मंदाकिनी के किनारे कौन सा धाम बसा है, तो केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ है। और जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा के किनारे बसे हुए हैं, बद्रीनाथ। देखिए, एक चीज, एक क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्यों नहीं मैं मैप का यूज कर रहा हूं जिसमें आपको स्टेट दिखे, क्वेश्चन नहीं आता है। अगर एक दो क्वेश्चन आता भी है तो उस पर आप बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करेंगे बाउंड्रीज में जाके। इसीलिए मेरे को ये लगता है कि इट इज मच बेटर दैट हम पहले नदियों को समझ लें। अगर जब आप ये याद कर लेंगे तो एक बार मैप वाला वीडियो हम दोबारा से कर लेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो अब ये पांच नदियां मिल गई। ये एक चीज इसमें आप और ध्यान रखिएगा कि भागीरथी नदी जो है वो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, गोमुख ग्लेशियर से। अब जैसा कि मैंने बताया, अलकनंदा और भागीरथी यहां पे आके बन जाती हैं गंगा रिवर। देखिए, अब गंगा रिवर आगे बढ़ती हैं यहां से, और उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती हैं। जब एंटर करती हैं उत्तर प्रदेश में, तो पहली रिवर जो आके मिलती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रामगंगा। रामगंगा बरेली के किनारे से बहती हैं। तो अगर पूछा जाए कि रामगंगा के किनारे कौन सा सिटी स्थित है, तो आप बरेली लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, फिर तीन नदियां मिलती हैं जो तीनों जी से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर में देखेंगे तो ये उल्टी हैं। तो कौन सी तीन नदियां हैं? एक, दो और तीन। जो मैं उल्टा चलता हूं ताकि आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाए, पहली है गंडक। गंडक नेपाल से निकलती है, उसके बाद घाघरा, और फाइनली यहां पे निकलती है गोमती रिवर जो इसमें आके ज्वाइन करती है। गोमती रिवर निकलती है गोमत ताल से। गोमत ताल पीलीभीत में है, पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोमती एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि प्लेन्स में
निकल के जो प्लेन से स्टार्ट होती है, बाकी सारी रिवर्स जो है वो माउंटेन्स यानी कि हिमालय से स्टार्ट होती है, जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। सिर्फ एकमात्र गोमती ऐसी रिवर है जो कि प्लेन्स से स्टार्ट होती है, उसका कोई भी बहुत ज्यादा एलिवेशन नहीं होता है। अब गोमती रिवर आपको, आप लोग काफी जानते भी होंगे कि ये लखनऊ के किनारे है, लखनऊ इसके किनारे पे बसा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो गंडक रिवर है ये आ जाती है बिहार के एरिया में, यहां तक इससे पहले पहले है उत्तर प्रदेश और इसके बाद में आ जाता है बिहार। तो घाघरा, गोमती और रामगंगा है उत्तर प्रदेश में और गंडक रिवर है बिहार में। इसके बाद और रिवर्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, पांच प्रयाग हम लोगों ने पहले देख लिए थे जो कि यहां पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। इसके बाद में एक जो छठा प्रयाग है, जिसे प्रयागराज यानी प्रयागों का राजा कहा जाता है, वो है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जो कि अब जिसे हम प्रयागराज नाम से जानते हैं। प्रयागराज पे एक नदी गंगा से आके मिलती है, उस रिवर का नाम है यमुना। यमुना रिवर यहां पे आके मिलती है जो कि एरिया है प्रयागराज, और पहले जिसे इलाहाबाद नाम से जाना जाता था। जो यमुना रिवर है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये स्टार्ट कहां से होती है, इनका ओरिजिन क्या है। तो बंदरपूछ एक ग्लेशियर है जहां से इनका, जहां से ये स्टार्ट होती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से। अब इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज कई बार पूछी जाती है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, चार ट्रिब्यूटरीज जो इनके लेफ्ट बैंक पे स्थित हैं। पहली है हिंडन, हिंडन दिल्ली के पास बहती है। फिर उसके बाद में है रिंद, फिर सेंगर, और फाइनली लास्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है वरुण। दूसरी तरफ अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है चंबल। चंबल रिवर अगर आपको ध्यान हो तो ये रेवाइंस में बहती है, मतलब जो जो फॉर्मेशंस ये बनाती है उन्हें हम रेवाइंस कहते हैं। उसके बाद में आता है सिंध। देखिए, रिंद के करीब करीब सामने है सिंध, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद आती है कैन बेतवा रिवर जो कि इसके बाद है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये उल्टी है, मतलब पहले बेतवा है। हम जनरली कैन बेतवा बोलते हैं, कैन बेतवा लिंक की बात करते हैं, बट बेतवा है, उसके बाद में फिर कैन रिवर आती है। बेतवा रिवर ये भी एक पॉइंट कई बार पूछा गया है कि किस जगह पे आके यमुना से मिलती है, तो जहां ये मिलती है उस सिटी का नाम है, उस जगह का नाम है हमीरपुर। उसके बाद में जो एक चीज चंबल में ध्यान रखिएगा, चंबल की ट्रिब्यूटरीज एक दो बार पूछी गई हैं, तो मैं बता देता हूं कि चंबल की पहली ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट बैंक पे है वो है बानस रिवर। और उसके बाद में यहां पे बानस के अलावा काली सिंध भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और एक शिप्रा रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। शिप्रा रिवर और एक काली सिंध। शिप्रा, जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि उज्जैन सिटी के बगल से बहती है, तो ये भी यमुना रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अब जो यमुना रिवर यहां पे प्रयागराज पे आके मिलती है, उसके बाद में यमुना और जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बीच में एक वाटर डिवाइड आता है। वाटर डिवाइड का मतलब ये है, पहले आप देख लीजिए वाटर डिवाइड क्या है। ये एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कैमूर नाम से जानते हैं, KAIMUR, कैमूर। वाटर डिवाइड इसका मतलब इसके वेस्टर्न साइड में जो भी पानी है वो वेस्ट साइड में रहता है, और कैमूर के राइट साइड में जो भी पानी है वो राइट साइड में रहता है। तो एक वाटर डिवाइड है, यहां से लेफ्ट लेफ्ट की साइड में आप देखेंगे तो यमुना रिवर, और इसके राइट साइड में देखेंगे तो गंगा और उसकी अदर ट्रिब्यूटरीज। इनफैक्ट एक और ट्रिब्यूटरी जो कैमूर के राइट से निकलती है और यहां पे जो गंगा से आके मिल जाती है बिहार में, उसका नाम है सोन रिवर। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है सोन रिवर, ये गंगा से आरा सिटी के पास में आके मिलती है। अब आरा सिटी के पास में जो सोन मिलती है, उनका ओरिजिन कहां से होता है, वो माउंटेन है अमरकंटक। अमरकंटक
और देखिए अमरकंटक से एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि अमरकंटक के पास से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अमरकंटक रेंज नर्मदा और सोन ये दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद में गंगा रिवर यहां से आके ऐसे नीचे मुड़ते हुए बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तब इनको बोला जाता है हुगली, यानी कि मेजरली वेस्ट बंगाल के एरिया में गंगा रिवर को हुगली बोला जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गंगा रिवर यहां पे वेस्ट बंगाल में आके दो में टूट जाती है। एक तो इसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी हम अगर करेक्ट वर्ड यूज करेंगे तो वो हुगली बन जाती है जो कि कैलकटा के पास में आके बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। दूसरी ट्रिब्यूटरी जो वेस्ट जो बांग्लादेश कंट्री में घुस जाती है उसको बोला जाता है पद्मा। पद्मा रिवर गंगा से निकल के बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन पद्मा रिवर में एक और रिवर आके मिलती है। ये रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा और जमुना जब आपस में मिल जाती हैं इस पॉइंट पे तो इनको फिर हम मेघना बोलते हैं, और मेघना फाइनली आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बहुत इजी है, एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि समझ में आ जाए। गंगा रिवर दो रिवर में टूट जाती है, हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में बहती है और पद्मा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। पद्मा में ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा और जमुना मिलकर बनाती है मेघना जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके बाद में जैसे सोन रिवर हमने देखा, गंडक देखा, इसमें दो रिवर और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीन रिवर। एक तो देखिए कोसी रिवर है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, क्योंकि गंगा ऐसे बह रही है तो ये लेफ्ट बैंक पे आ गई, कोसी रिवर जिसे हम सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। और उसके बाद में जो रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महानंदा रिवर। लेकिन एक बात याद रखने की ये है कि महानंदा रिवर वेस्ट बंगाल में आती है जबकि कोसी रिवर आती है बिहार में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहां बिहार है और यहां पे आके वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो गया। फाइनल ट्रिब्यूटरी जो गंगा की है वो है दामोदर जो कि यहां पे आके कहीं वेस्ट बंगाल में गंगा से मिल जाती है। तो आपको एक बर्ड आई व्यू दिखा देता हूं इस चीज का। तो अगर आप गंगा का एक बर्ड आई व्यू देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं, इसमें पहले पांच प्रयाग आ जाते हैं, उसके बाद में गंगा के रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें आके मिल जाती हैं यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, फिर ये जाके दो में टूट जाती हैं यहां पे जहां पे ये बांग्लादेश में जाके मेघना नाम से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं फाइनली। और इसी के साथ यमुना के ट्रिब्यूटरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें यहां दिखते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज। तो ब्रह्मपुत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहां से है। ये यहां पे कहीं से है, चाइना से, जहां पे इसको नाम दिया गया है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आंगसी ग्लेशियर भी इससे जुड़ा हुआ है, आंगसी ग्लेशियर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एक चीज है वो ये है कि मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इंडस रिवर भी निकलती है यहां से, यहीं से सतलुज रिवर भी निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र जब चाइना में बहती हैं तो इनको हम नाम देते हैं यारलुंग सांगपो। आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सांगपो रिवर किसको बोला जाता है, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये बहती हैं चाइना में, बहती जाती हैं, उसके बाद में ऐसे जाके ये एक टर्न मारती है, एक गॉर्ज के अकॉर्डिंगली यहां पे आके एक टर्न मारती है। क्योंकि क्यों टर्न मारती है, क्योंकि यहां पे नामचा बरवा करके एक पर्वत है, नामचा बरवा। नामचा बरवा से घूम के उसके बाद में आसाम में ये ब्रह्मपुत्र चली जाती हैं, और उसके बाद में ये अंदर ऐसे आके जुड़ जाती हैं बांग्लादेश में जहां पे हम इन्हें जमुना नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की। देखिए सबसे पहली बात,
ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में, लेकिन जैसे ही ये इंडिया में प्रवेश करती हैं तो इनका नाम इंडिया में सियांग या फिर दिहांग माना जाता है जब ये एंट्री करती हैं इंडिया में। नामचा बरुआ में एक इनफैक्ट एक टाउन है सदिया नाम से अरुणाचल में, जहां पे ये एंट्री करती है इंडिया में, जहां पे इन्हें फिर सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो पहली ट्रिब्यूटरी इंडिया में इसमें आके मिलती है वो है दिहांग, सॉरी दिबांग, दिबांग या फिर सिकांग नाम से, दिबांग भी बोल सकते हैं इसको, सिकांग भी बोल सकते हैं। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है लोहित, बुरही दिहिंग, अगली ट्रिब्यूटरी है बुरही दिहिंग। ये सब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इस तरह से नीचे बह रही है तो ये इनकी लेफ्ट बैंक पे आ जाती हैं। उसके बाद में जो एक अगली ट्रिब्यूटरी है वो है धानसारी, धानसारी। इससे अगली ट्रिब्यूटरी कपिली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है वो है बराकर, बराक रिवर। तो ये 6 ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसके ऊपर कई बार डिस्प्यूट भी रहा है वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर आकर बांग्लादेश में, आकर वेस्ट बंगाल के एरिया से निकलते हुए बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। उसके बाद 2 रिवर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि भूटान से निकलती हैं। इनमें से पहली का नाम है रैदक और दूसरी का नाम है संकोश। ये दोनों भूटान से निकलती हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद 3 और रिवर्स हैं जो इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पहली रिवर है इसमें मानस, मानस आपने देखा भी होगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से, फिर कामेंग और फाइनली सुबान सीरी। ये सुबान सीरी, तो ये 6 जो भी इसकी लेफ्ट बैंक सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हो गया गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम। इसका फिर से एक बर्ड आई व्यू देख लेते हैं। तो देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा थोड़ा सा हौच-पौच पर, लेकिन अगर आप शुरू से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने देखा था जो कि गंगा रिवर सिस्टम था, सबसे पहले हमने गंगा रिवर सिस्टम को थोड़ा सा देखा, और उसके बाद में आगे चल के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखा। यहां तक जो गंगा रिवर सिस्टम था वेस्टर्न साइड में, और यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था, और यहां पे बीच में आपने ब्रह्मपुत्र सॉरी यमुना रिवर सिस्टम को देखा। यही मेजर क्वेश्चंस हैं जो इससे आते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आएंगे तो हम मैप व्यू में देख लेंगे। देखिए मैप जानना याद करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं। अगर प्लेसेस पे आते हैं तो वो प्लेसेस मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, और एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट मैं जहां पे काम कर रहा था वहां पे एक कंडीशन थी कि मैं वीडियोस ना बनाऊं, बट अब मैं वहां पे एसोसिएटेड नहीं हूं, तो इसीलिए अब वीडियोस बनाना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा और हम लोग रेगुलरली मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूं। किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम और ज्यादा इस तरह के वीडियोस बना सकें। रिवर सिस्टम वाला भी एक कमेंट के बेसिस पे ही मैं बना रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे से याद होता है तो इसमें मैं इंडस रिवर सिस्टम, साउथ इंडियन रिवर्स वो भी बना दूंगा। उसके अलावा और भी अगर कोई मैप रिलेटेड या इकोनॉमी और इवन पॉलिटी कोई भी वीडियो आप अगर चाहते हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज स्टडी वेरी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी 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 हार्ड, एंड आई वुड लव टू सी ऑल योर नेम्स इन द फाइनल पीडीएफ। थैंक यू सो मच।